साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में जिस मुकाबले को लेकर सबसे आंखें बेसब्री का इंतजार कर रही थी वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जी हाँ, ये मुकाबला था दुनिया की पूर्व नंबर वन खिलाड़ी सेरेना विलियम्स और मारिया शारापोवा के बीच। शुरू होने से पहले ही सेरेना ने इसमें नहीं खेलने का फैसला किया और अपने प्रशंसकों को निराश कर दिया, जबकि सेरेना ने अपनी परेशानियों को बताते हुए कहा कि मेरे छाती और कंधे के आसपास की जगह पर मसल्स यानी कि मांसपेशियों में कुछ परेशानी है, जिसके कारण से मैं सर्विस तक नहीं कर पा रही हूँ और मुझे खेलने में बहुत दिक्कत हो रही है। जबकि वहीं सेरेना के कोर्ट पर न उतरने से शारापोवा को क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। 23 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना का सामना 11वीं वरीय जर्मनी की जूलिया जॉर्जेस से हुआ था और इस मैच के दौरान ही उन्हें पेक्टोरल मसल्स में चोट लगी थी, जबकि चोट के बावजूद भी वो अपनी बड़ी बहन वीनस के साथ डबल्स मैच में भी खेली थी। जबकि पिछले साल बेटी ओलंपिया को जन्म देने के बाद सेरेना पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खेल रही थी। आपको बता दें कि 2004 के बाद से दुनिया की पूर्व नंबर एक अमेरिका की स्टार सेरेना एक भी मुकाबले में शारापोवा से हारी नहीं है। सेरेना ने यह भी कहा कि वो स्कैन के लिए पेरिस में ही रुकेंगी ताकि पता चल सके कि उन्हें कितने दिनों तक कोर्ट से दूर रहना होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।